शाहरुख खान की फिल्म जीरो मलयालम सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ के साथ 21 दिसंबर को रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन बता दें इस रेस में जहां शाहरुख खान फ्लॉप हो रहे हैं, वही केजीएफ हिंदी भाषा में अभी भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेस्ट से ऊपर का कलेक्शन कर रही है। यहां हम बात करेंगे केजीएफ और जीरो मूवी की ऑफिशियल कलेक्शन की, जो फिल्म क्रिटिक्स द्वारा ही बताए जाते हैं। ध्यान रहे, हमारे चैनल पर फिल्म क्रिटिक्स द्वारा बताए गए सही कलेक्शन के बारे में ही बातचीत होती है। तो आइए जानते हैं केजीएफ और जीरो मूवी के 10 दिनों में हुए टोटल कलेक्शन के बारे में। केजीएफ मूवी ने अपने पहले हफ्ते में इंडिया से 108 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इसमें से हिंदी वर्जन में से मूवी ने अपने पहले हफ्ते में कमाए हैं 21 करोड़ 46 लाख। इसी के साथ इस मूवी ने ओवरिया से कमा लिए है 14 करोड़। बात करें ग्रॉस कलेक्शन की, तो ग्रॉस कलेक्शन में इस मूवी ने 152 करोड़ को पार कर लिया है। वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो ओरिया से और ग्रॉस कलेक्शन को मिलाकर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड से 166 करोड़ कमाई कर ली है और इसी के साथ ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। अब बात करते हैं आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म जीरो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। 180 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने अभी तक यानी कि अपने पहले हफ्ते में सिर्फ 97 करोड़ का ही आंकड़ा पार किया है। यहाँ तक कि क्रिसमस के दिन भी फिल्म ने महज 12 करोड़ की ही कमाई कर दी, यानी केजीएफ ब्लॉकबस्टर हो गई है और शाहरुख खान की फिल्म जीरो 97 करोड़ कमाई पर 97 करोड़ की कमाई पर ही फ्लॉप लिस्ट में शामिल हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप होने लायक थी? आप किसके साथ सहमत है, केजीएफ की हिट होने पर या जीरो के फ्लॉप होने पर? हमारे साथ आपकी राय जरूर शेयर करें और आने वाले कलेक्शन की सही और सच्ची जानकारी समय पर पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्पीडी न्यूज़।